हमने ट्रांसफार्मर के टाइप्स वगैरह पे बात किया था, अब का बात कर रहे हैं ट्रांसफार्मर लॉस। ट्रांसफार्मर लॉस में बहुत ही 7 स्टार टॉपिक है, इसमें बात की जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे जैसे भी घुमा के दे आना ही आना है। तो अगर ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से और आपको न्यूमेरिकल से बनेगा ही बनेगा क्वेश्चन। तो चलिए हम पढ़ते हैं ट्रांसफार्मर लॉस। ट्रांसफार्मर लॉस में कौन कौन से लॉस होते हैं? तो ट्रांसफार्मर लॉस में आपको देखिए जी, दो लॉस होते हैं। कौन कौन से लॉस होते हैं ट्रांसफार्मर लॉस में बात की जाए तो क्या होता है? ट्रांसफार्मर लॉस को डिवाइड किया जाए तो एक होता है आयरन लॉस। आयरन लॉस का मतलब ये नहीं होता है कि लोहा खत्म हो जाएगा जी, एक होता है कॉपर लॉस। आयरन लॉस का मतलब एक नाम है लॉस का, जिससे पावर का लॉस होता है। आयरन लॉस का मतलब ये नहीं है कि कुछ आयरन खत्म होगा यहाँ पे कॉपर खत्म होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। इसका नाम रखा है आयरन लॉस में। देखा जाए तो दो लॉस होते हैं, कौन से लॉस होते हैं? तो ईडी करेंट लॉस होता है जी, ईडी करेंट लॉस होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है जी? हिस्टेरेसिस लॉस होता है, हिस्टेरेसिस लॉस होता है। और बात की जाए इसमें क्या होता है तो कॉपर लॉस का उसका कोई टाइप नहीं होता है। तो हम लोग यहाँ पे ट्रांसफार्मर लॉस से देखें, ट्रांसफार्मर लॉस में एडी करंट लॉस है, हिस्टेरेसिस लॉस है, कॉपर लॉस में, हम इसको डिफरेंट डिफरेंट टाइप से क्या करेंगे जी, इसको पढ़ेंगे। और यहाँ पे क्या है जी, देखिए ट्रांसफार्मर लॉस में क्या है जी, आयरन लॉस। आयरन लॉस को क्या बोलते हैं? लौ हानि। अब लौ हानि का मतलब ये नहीं हुआ कि लोहा घटने लगा, इसका मतलब ये हुआ ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली को बोला कि 24 घंटा जो एक्साइटेड रहता है उसकी वजह से क्या होता है जी, आयरन लॉस होता है। और क्यों होता है? क्योंकि वोल्टेज क्या है जी, वोल्टेज की वजह से है। इसका मान लोड से मुक्त होता है, बोल रहा है कि लोड से इसको कोई मतलब नहीं है क्योंकि हर लोड पर यह समान ही रहता है। तो क्या है जी, वोल्टेज क्या रहेगा? समान ही रहेगा, इसलिए इसे नो लोड लॉस भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? नो लोड लॉस। बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट। लौ हानि की गणना ओपन सर्किट परीक्षण द्वारा की जाती है, बोल रहा है लौ हानि की गणना किसके की जाती है? तो ओपन सर्किट द्वारा की जाती है। ये दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं जी? ये दो प्रकार के हमने बताया था, एडी करंट होता है, हिस्टेरेसिस लॉस होता है। अब देखिए ये न्यूमेरिकल याद रखिएगा, एडी करंट लॉस के कारण ट्रांसफार्मर गर्म हो जाता है। एडी करंट लॉस के कारण क्या होता है जी? ट्रांसफार्मर गर्म होता है। बात की जाए तो ट्रांसफार्मर का मान लीजिए अगर एक कॉयल है मेरे पास, क्या है जी, ट्रांसफार्मर का कॉयल है, तो क्या होता है? एक भंवर बनता है। ईडी, ईडी मैंने क्या है, भंवर नाम ही होता है। ईडी को हिंदी में बोलते हैं भंवर लॉस। तो ये भंवर ऐसा बनेगा, तो अब इसके क्या हो जाएगा, इसके वजह से क्या हो जाएगा, बहुत सारा सेल बन जाता है, जिससे क्या हो जाता है, बहुत सारा लॉस होता है। तो इसको लिए क्या किया गया कि छोटे छोटे इसको क्या किया गया, प्लेटेज में काट दिया जाता है जी। क्या है, ट्रांसफार्मर का कॉयल बनाने से पहले क्या किया जाता है, इसको छोटे छोटे प्लेटों में काट दिया जाता है, जिससे क्या हो जाएगा, अब इसमें जो भी ईडी बनेगा बहुत छोटा बनेगा, जिससे क्या हो जाएगा, वो इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे थिकनेस में क्या करते हैं, काट देते हैं जी। हमने यहाँ तक क्या पढ़ा, ईडी की पढ़ा। अब देखिए ईडी को तो हमने छोटे में कर दिया, अब बात की जाए ईडी करंट किस पर डिपेंड करता है जी। तो ईडी करंट जो लॉस होता है, पावर, पावर लॉस ऑफ ईडी करंट क्या होता है, तो बी मैक्स स्क्वायर, बी मैक्स स्क्वायर है एफ स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, जहां बी क्या है जी, चुंबकीय फ्लक्स डेंसिटी है, माने मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है जी, इसको वेबर मीटर स्क्वायर में किया जाता है बी को। एफ क्या है जी, फ्रीक्वेंसी है, किस फ्रीक्वेंसी पर ट्रांसफार्मर काम कर रहा है उस फ्रीक्वेंसी की बात करें। टी बात की जाए तो क्रोड की मोटाई है, यही जो तो देखिए हमने अभी तक क्या पढ़ा जी, इसको हमने एक ईडी करेंट के पावर जो लॉस होता है उसको हमने पढ़ा। अगर बात की जाए तो ईडी करेंट का लॉस, जिससे ईडी करंट जो लॉस होता है उसके पावर जो लॉस है उसका फॉर्मूला किस पे डिपेंड करता है, तो देखिए बी मैक्स स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर, यानी जो आपको चुंबकीय फ्लक्स है यानी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है उस पे डिपेंड कर रहा है, और फ्रीक्वेंसी जो जनरेट हो रही है उस पे डिपेंड कर रहा है, और टी थिकनेस पे, यानी क्रोड की जो मोटाई है जो हमने स्लाइसेस में डिवाइड किया था उसको क्या होता है, क्रोड होता है, तो क्रोड की मोटाई पे डिपेंड करेगा। तो यानी बोला जाता है कि अगर ईडी करंट जो लॉस है, अगर मान लीजिए क्रोड की मोटाई अगर दुगुनी कर जाए तो ईडी करंट लॉस कितना हो जाएगा, या ये हमको सब वैल्यू दिया रहेगा, इसमें न्यूमेरिकल बनाना रहेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए ईडी करंट हमारा फॉर्मूला याद रखिएगा, बी मैक्स स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर। बात की जाए हिस्टेरेसिस लॉस, तो हिस्टेरेसिस लॉस भी क्या है जी, एक तरह का ट्रांसफार्मर लॉस है, सॉरी आयरन लॉस है। आयरन लॉस में क्या होते थे, ईडी करंट लॉस होता था और हिस्टेरेसिस लॉस होता था। अब बात कर रहे हैं ईडी करंट लॉस हो गया, अब बात करें हिस्टेरेसिस लॉस, तो हिस्टेरेसिस लॉस भाई देखिए वो पढ़ते हैं इसमें थ्री वाले पार्ट, क्रोड के बार बार चुंबकीय और बीचुंबकीय होने पर विद्युत शक्ति की खपत होती है, जो हिस्टेरेसिस लॉस बोला। बोला है कि जो क्रोड है वो तो अल्टीमेटली एक आयरन कोर होता है, तो उसको मैग्नेटित क्या बात, मैग्नेट बनाया जाता है जी करंट देकर, तो वो क्या है, परमानेंट मैग्नेट तो है नहीं, टेम्पोररी मैग्नेट है। तो बोला कि बार बार चुंबकीय और बीचुंबकीय होने में, यानी मैग्नेट और नॉन मैग्नेट होने में क्या होता है जी, उसमें क्या होता है, एनर्जी लॉस होता है, और लॉस लॉस क्यों होता है, तो हिस्टेरेसिस लॉस कहलाता है। और हिस्टेरेसिस हानि जो है एडी करंट हानि के
मान के एसी की आवृत्ति बढ़ाने से बढ़ता है। बोला कि अगर हिस्टेरेसिस लॉस है जी, जो एडी करंट हानि है वो क्या है, एसी की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या होता है, बढ़ता है। हम ये सब याद ही नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे। डायरेक्ट हम लोग क्या रखेंगे जी, फॉर्मूला याद रखेंगे। और फॉर्मूला से हम लोग क्या करेंगे जी, डायरेक्ट हम बता सकते हैं कि हमारा वो लॉस किस पे डिपेंड करता है। देखिए हिस्टेरेसिस लॉस है, इसमें हिस्टेरेसिस लॉस किस पे है, तो बीटा ईटा बीटा मैक्स का पावर 1.6 FV। देखिए यहाँ पे जो हिस्टेरेसिस लॉस है क्या है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है और वोल्टेज पे डिपेंड रहा है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि ईटा क्या है, एक नियतांक है जो हिस्टेरेसिस नियतांक है। बी मैक्स क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है यानी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है। एफ क्या जी, फ्रीक्वेंसी है। वी क्या है, क्रोड ऑफ क्रोड का क्या है जी, वॉल्यूम है। देखिए यहाँ पे बात की जाए तो वी मैक्स का पावर क्या है, 1.6 FV है। तो यहां से देख सकते हैं ये मेरा क्या है जी, हिस्टेसिस लॉस है। तो पूछा जाएगा हिस्टेसिस लॉस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है जी, तो किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली डिपेंड करता है। वोल्टेज पे डायरेक्टली डिपेंड करता है, मैग्नेटिक पे क्या डायरेक्टली डिपेंड नहीं करता है। क्या करता है जी, डायरेक्टली डिपेंड वन डी के पावर क्या होता है, 1.6 पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, तो यहां से हम कह सकते हैं कि इस पे डिपेंड कर रहा है जी। चलिए हमने इसमें सब पढ़ लिया, तो हिस्टेसिस का फॉर्मूला याद रखिएगा, हिस्टेसिस लॉस क्या होता है जी, बी का पावर 1.6 FV। ठीक है जी, क्या होता है FV। और बात की जाए एडी करंट लॉस क्या होता था, तो बी मैक्स का स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर था जी। वहां पे थिकनेस पे भी डिपेंड कर रहा था, यहाँ पे कोई थिकनेस पे नहीं डिपेंड कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्रोड के क्या है, वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है। तो बोल रहा है हिस्टेरेसिस लॉस परिवेश के तापमान एम्बियंट टेम्परेचर पर बहुत कम निर्भर करता है, बहुत कम निर्भर करता है जी। हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है, परिवेश के तापमान पे क्या होता है, बहुत कम निर्भर करता है। क्योंकि ये लॉस क्या है जी, ये जो आपको करंट चेंज हो रहा है एसी में, हमारा क्या हो रहा है, एक बार डायरेक्शन फॉरवर्ड हो रहा है, एक बार डायरेक्शन क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। और चुंबकीय क्या हो रहा है, एक बार चुंबक बन रहा है, एक बार नहीं बन रहा, उसकी वजह से लॉस हो रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं टेम्परेचर से क्या है, इंडिपेंडेंट है। लेकिन एडी करंट लॉस क्या था जी, एडी करंट लॉस क्या होता है, उससे जनरेट हो रहा था, क्या हो रहा था, छोटे छोटे सेल जनरेट हो रहे थे, उससे क्या होता है, हीट जनरेट होगा। जो हीट जनरेट होगा वो हीट एनर्जी में क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो हमारा एडी करंट लॉस में क्या था जी, वो जो उसमें क्वाइल होगा क्या होगा, हीटअप हो जाएगा। लेकिन हिस्टेरेसिस लॉस की वजह से नहीं हीटअप होगा, किसकी वजह से लॉस होगा जी, एडी करंट लॉस की वजह से क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा। बात की जाए कॉपर लॉस, तो कॉपर लॉस हमने कितने तरह के लॉस पढ़े थे जी, आयरन लॉस और कॉपर लॉस। तो आयरन लॉस में हमने एडी करंट लॉस पढ़ लिया, हिस्टेरेसिस लॉस पढ़ लिया। बात की जाए तो अब बचा कॉपर लॉस, कॉपर लॉस किसकी वजह से होता है, तो कॉपर लॉस का मतलब ये नहीं हुआ कि कॉपर कम हो जाएगा जी, कॉपर लॉस का मतलब एक लॉस है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कॉपर जो बाइंडिंग में कॉपर है वो लॉस होने लगा, वो घटने लगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या है, हानि बाइंडिंग में प्रतिरोध के गुण के कारण उत्पन्न होता है। बोला है कि जो कॉपर बाइंडिंग है उसमें क्या होता है जी, प्रतिरोध होता है, और उसकी वजह से जो हानि होता है उस हानि को क्या बोलते हैं, कॉपर बोलते हैं। तो कॉपर लॉस यानी प्राइमरी बाइंडिंग में भी होगा, सेकेंडरी बाइंडिंग में भी होगा। ऑब्वियस बात है, जब ये बोल रहा है कि ये क्या है जी, बाइंडिंग की वजह से जो लॉस होता है उसको बोलते हैं कॉपर लॉस। जो कॉपर लॉस होता है तो प्राइमरी बाइंडिंग में भी होता है, सेकेंडरी बाइंडिंग में भी होता है। तो इसका मतलब हुआ जो हानि है वो क्या हो जाएगा जी, बोल रहा है कि लोड्स के समानुपाती होता है। तो जब कॉपर लोड कितना डिपेंड करेगा, जो हम बाइंडिंग कर रहे हैं लोड पे डिपेंड करेगा जी, क्योंकि उसमें करंट पास होगा, तो लोड के क्या हो जाएगा, समानुपाती होगा। बोल रहा है ताम्र हानि ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला है जी। देखिए प्राइमरी में जो लॉस हुआ आई स्क्वायर आर, प्राइमरी में पी का मतलब क्या है जी, प्राइमरी का करंट है और प्राइमरी का रेजिस्टेंस है, सेकेंडरी का करंट है, सेकेंडरी का रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे आई स्क्वायर आर ये प्राइमरी का लॉस है, सेकेंडरी का लॉस है, दोनों को हमने ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा जी, कॉपर लॉस हो जाएगा। प्राइमरी बाइंडिंग में और सेकेंडरी बाइंडिंग का दोनों का लॉस को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा जी, कॉपर लॉस मिलेगा। बात की जाए डब्ल्यूसी, डब्ल्यूसी क्या है, कॉपर लॉस है। आईपी क्या है, प्राथमिक बाइंडिंग का करंट है। आरपी क्या है, प्राथमिक कुंडली का क्या है, प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है। आईएस क्या है, सेकेंडरी बाइंडिंग का क्या है, रेजिस्टेंस है, सॉरी करंट है। और आर एस क्या है, सेकेंडरी कुंडली का क्या है जी, क्वायर का, सेकेंडरी क्वायर का क्या है, रेजिस्टेंस या प्रतिरोध है। ठीक है, तो यहां से हमने कॉपर लॉस के फॉर्मूले पढ़े, और हमको क्या होगा, जो भी न्यूमेरिकल बनेगा हम इस फॉर्मूले के बेसिस पे क्या कर सकते हैं जी, बता सकते हैं। तो हमको ज्यादा रटने की जो थ्योरी वगैरह रटने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला याद रखेंगे और बाकी सब हम उसी से क्या करेंगे, डराइव कर लेंगे जी। ट्रांसफॉर्मर में मशीनी क्षति शून्य होती है। बोला है ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है जी, मशीनी क्षति शून्य होते, क्योंकि इसमें कोई रोटेटिंग पार्ट होता नहीं है। जब रोटेटिंग पार्ट नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, लॉस जीरो हो जाएगा। किसी ट्रांसफॉर्मर की पूर्ण लोड को पूर्ण दक्षता यानी न्यूनतम हानि मानी जाती है। बोला है कि कोई ट्रांसफॉर्मर है तो हाई पूर्ण लोड यानी तो क्या हो जाएगा, फुल लोड रहेगा तो उससे क्या हो जाएगा जी, उसकी दक्षता क्या होगी, हाई होगी। और दक्षता जब हाई होगी तो लॉस क्या होगा, कम हो जाएगा। तो लॉस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बोल रहा है कि ताम्र हानि लो हानि के बराबर हो तो क्या हो जाएगा जी, जब आयरन लॉस कॉपर लॉस के बराबर हो जाएगा यानी लो हानि जो क्या हो, ताम्र हानि के बराबर हो जाएगा तो उसकी दक्षता क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। इंपोर्टेंट रखिएगा, बहुत वेरी वेरी इंपोर्टेंट एक पॉइंट है। बोल रहा है कि आयरन लॉस कॉपर लॉस के जब बराबर हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मर की क्षमता क्या हो जाएगी,
सबसे मैक्सिमम होगी, उससे ज्यादा कभी क्षमता उसकी हो नहीं सकती है। इसका मतलब पूछा जाएगा कि ट्रांसफार्मर में क्षमता हाई होने के लिए क्या क्या जरूरी है, तो आयरन लॉस बराबर क्या हो जाएगा जी, कॉपर लॉस, यानी आयरन लॉस यानी लौह हानि, और कॉपर लॉस क्या हो जाए, ताम्र हानि, क्या होना चाहिए, बराबर होनी चाहिए। चलिए जी ट्रांसफार्मर में बात की जाए, ट्रांसफार्मर के कंडीशन पढ़ते हैं जी। तो ट्रांसफार्मर के समानांतर प्रचलन के शर्तें बोल रहा है कि ट्रांसफार्मर जो है उसमें कौन कौन सा हो सकता है जी। तो बोल रहा है देखिए कौन कौन से कंडीशन में उसको हम ऑपरेट करते हैं, तो बात की जाए तो सेम फेज में कर सकते हैं, सेम वोल्टेज में करते हैं, सेम पोलरिटी में करते हैं, सेम पर यूनिट इम्पोर्टेंस में कर सकते हैं जी। क्या है जी, सेम फेज में करते हैं, सेम वोल्टेज में करते हैं, सेम पोलरिटी में कर सकते हैं। अच्छा ट्रांसफार्मर का, ट्रांसफार्मर जो कॉन्स्टेंट होता है, यानी ट्रांसफार्मर कॉन्स्टेंट क्या होता है जी, एन एस अपॉन एन पी, वी एस अपॉन वी पी, आई पी अपॉन आई एस। देखिए ये क्या है जी, ये सेकेंडरी है वी एस, ये आई एस, एन एस प्लस एन पी, वी एस अपॉन वी पी इक्वल टू है सब, ठीक है जी। आई पी करेंट क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, अपन आई सी, ये क्या है, ट्रांसफार्मर कॉन्स्टेंट है जी। यहाँ से एन एस एन पी ये क्या है, सेकेंडरी का क्या है जी, नंबर ऑफ टर्म्स है, ये प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्म्स है, ये सेकेंडरी का वोल्टेज है, ये प्राइमरी का वोल्टेज है, ये प्राइमरी का करंट है जी, सेकेंडरी का करंट है, ये क्या है हमको बताएगा, ट्रांसफार्मर रेशियो बताएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं, आगे बढ़िएगा देखिए, तो ट्रांसफार्मर के हमने क्या पढ़ा जी, ये हमने ट्रांसफार्मर कॉन्स्टेंट पढ़ा। अब आगे बढ़ते हैं ट्रांसफार्मर की दक्षता, ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी, इफिशियंसी क्या होती है, आउटपुट अपॉन इनपुट गुने सौ। तो अगर ट्रांसफार्मर की दक्षता बतानी है, परसेंटेज में बतानी है, तो क्या बताएंगे, आउटपुट अपॉन इनपुट गुने सौ। अगर केवल दक्षता बतानी है तो आउटपुट अपॉन इनपुट कर देंगे, ठीक है जी। अब देखिए आउटपुट में क्या हो जाएगा जी, तो आउटपुट में बोल रहा है किलो वाट, यानी किलो वाट का जो लॉस होगा जी, आउटपुट में क्या लॉस हो, आउटपुट में क्या मिलेगा जी हमको, आई एस स्क्वायर आर ही मिलेगा, तो वाट मिलेगा। उसमें बात की जाए तो इनपुट में क्या है जी, तो जो आउटपुट में मिल रहा है पावर प्लस जो हानि है, हानि कौन कौन सा है, तो ताम्र हानि है, लौह हानि है, ये सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे नीचे, तो क्या हो जाएगा जी, ये सभी इनपुट हो जाएगा, ये हमारा आउटपुट है, इसको सौ से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, ट्रांसफार्मर की दक्षता मिलेगी, इफिशियंसी मिलेगी जी। नोट देखिए, ट्रांसफार्मर क्षतियों के कारण उसमें पैदा होने के एक होने के साथ साथ इसका अचालक आवरण नष्ट हो जाता है। बोल रहा है ट्रांसफार्मर में उसमें जब पैदा होगा तो क्या हो जाएगा, उसके ऊपर जो कवर होता है क्या होता है जी, धीरे धीरे क्या होता है, नष्ट होने लगता है, और वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट हो जाता है, और जब नष्ट होगा तो क्या हो जाएगा, तो शॉर्ट हो जाएगा जी, तो इससे क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी सर्किट में। बात की जाए 500 किलो वोल्ट से अधिक क्षमता वाले ट्रांसफार्मर को प्राकृतिक रूप से वायु द्वारा ठंडा किया जाए। बोला है कि 500 किलो वोल्ट से अगर ज्यादा क्षमता वाले ट्रांसफार्मर बनाया जाता है तो उसको बोला जाता है कि वायु द्वारा ठंडा किया जाता है, या ऑयल द्वारा क्या किया जाता है, कूलिंग किया जाता है। हमने ट्रांसफार्मर में जो पिछले लेक्चर में पढ़ा था, तो ट्रांसफार्मर में हमने क्या था जी, बहुत सारे पाइप थे, एयर थे, हमने उसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ रखा है। हम लोग यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे कैसे कूलिंग करते हैं कैसे नहीं करते हैं जी, हम लोग जनरल एक जो भी जो इससे कंसेप्ट रिलेटेड है हम लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। और ये मेरा, चलिए जी हमने क्षमता पढ़ लिया, पावर पढ़ लिया, लॉसेस पढ़ लिया, बात की जाए तो देखिए ट्रांसफॉर्म, अब ये पॉइंट जो है आपको, ये पॉइंट जो है मैं बता रहा हूँ, इस पॉइंट को आप लोग पूरा ध्यान से पढ़िएगा, एक एक पॉइंट पढ़िएगा, ये पॉइंट बार बार पढ़ना है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा जी, डायरेक्ट क्वेश्चन इसी से बनेगा, ठीक है ना। देखिए तो पावर ट्रांसफार्मर किलो वोल्ट एम्पियर की क्षमता क्या होती है, 200 किलो वोल्ट से 20,000 किलो वोल्ट स्टार डेल्टा संयोजन होती है। हाई टेंशन ट्रांसफार्मर में क्या होता है जी, 15,000 किलो वोल्ट से अधिक क्षमता होते हैं। ट्रांसफार्मर विद्युत वाहक बल का समीकरण क्या होता है, ई बराबर 4.4 φFN होता है जी। फाई एफ क्या है जी, फ्रीक्वेंसी है, एन क्या है, फेरों की संख्या है, फाई क्या है, पावर फैक्टर है। पावर फैक्टर क्या होता है जी, 4.5 होता है। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी होता है, एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स होती है, फेरों की संख्या होती है जी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ट्रांसफार्मर का जो ईएमएफ है वो फॉर्मूला ही हो गया, इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। डायरेक्ट बात की जाए तो वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टेज रेगुलेटर का पूछ जाता है कि वोल्टेज रेगुलेशन किसी ट्रांसफार्मर की वोल्टेज रेगुलेशन कितना है जी, तो इसमें लगता है वोल्टेज विथ नो लोड, जब कोई लोड नहीं है, माइनस वोल्टेज अपन फुल लोड, अपन वोल्टेज अपन फुल लोड गुने 100। ये क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला होता है। NL का मतलब है वोल्टेज क्या, जब मेजर करेंगे कौन सा जी, जब नो लोड रहेगा, वोल्टेज मेजर करेंगे जब फुल लोड रहेगा, डिवाइड बाई वोल्टेज अपॉन फुल लोड गुने 100। ये क्या है जी, वोल्टेज रेगुलेशन है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमको पढ़ना है, और ये सब मैं लाइन बाय लाइन ही पढ़ रहा हूँ, आप लोग अपने से पढ़ लीजिएगा जी। आपको भी मैं सजेस्ट कर चुका है कि ये बुक खरीदिए और उसको पढ़िए जी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं तो हम बात करेंगे कुछ कूलिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। देखिए हमने कूलिंग ऑफ ट्रांसफार्मर टॉपिक छोड़ रखा था जी, अब वो टॉपिक आ गया है और उसको हम लोग पढ़ेंगे जी। तो कूलिंग ऑफ ट्रांसफार्मर बात की जाए तो कूलिंग के कैसे किया जाता है ट्रांसफार्मर के, कौन कौन विधि से किया जाता है, वो लोग हम लोग पढ़ेंगे। अभी हमने बताया था कि थोड़े बहुत इसको डिस्कस किया था, अब हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे जी।
तो कूलिंग ऑफ ट्रांसफार्मर की बात की जाए तो ट्रांसफार्मर में कोई घूमने वाला भाग नहीं होता है, जिसके कारण इसका शीतलन घूमने वाली मशीन की अपेक्षा कठिन होता है। बोल रहा है कि ट्रांसफार्मर में तो कोई घूमने वाला पार्ट तो होता नहीं, तो ऐसा नहीं होगा कि क्या हो जाएगा उसकी एक घूमने की वजह से क्या हो रहा है, हीट जनरेट हो रहा है, जिसके कारण क्या हो जाएगा शीतलन घूमने वाली मशीनों की अपेक्षा कठिन हो जाता है। अब इसमें घूम ही नहीं रहा है, घूमता तब ना भाई, उसको एक बार ठंडा करते तो फिर से गर्म हो जाता था, फिर से ठंडा कर लेते, ऐसा कुछ नहीं, तो इसलिए क्या होता है ये कठिन हो जाता है जी। अब ट्रांसफार्मर में ताप और लो ताम्र हानिया के कारण उत्पन्न होती है। बोल रहा है ट्रांसफार्मर जो टेम्परेचर क्यों जनरेट हो रहा है जी, तो कॉपर लॉस और आयरन लॉस की वजह से क्या हो रहा है जी, जनरेट हो रहा है। ट्रांसफार्मर के शीतलीकरण में की चार विधि होती है, कौन कौन से, तो चार विधि है जी। प्राकृतिक शीतलीकरण कर सकते हैं, तेल से कर सकते हैं जी, तेल निमज्जित जल शीतलीकरण करते हैं, तेल निमज्जित जल शीतलीकरण कर सकते हैं, या वायु के झोंका से कर सकते हैं। तो कितने तरह से है, चार मेन है, हम इसमें से एक एक को डिस्कस करेंगे, जो इम्पोर्टेंट है जितना हम उसको डिस्कस कर देंगे जी उसके वेटेज के अनुसार। बात की जाए तो नेचुरल कूलिंग, पहला क्या था जी प्राकृतिक शीतलन, प्राकृतिक शीतलन क्या है नेचुरल कूलिंग है। इसमें बोल रहा है कि 25,000 किलो वोल्ट तक के निर्गत वाले ट्रांसफार्मर को शीतलन करने के लिए वायु काफी होती है। वो देखिए अब इसमें भी है कि वायु से हम कितना कर सकते हैं, क्योंकि वायु देना क्या है जी सबसे आसान है, और किया जाए और बात की जाएगी ऑयल वगैरह से किया जाएगा, वाटर से किया जाएगा, उसके कंपेयर में वायु से किया जाए, लेकिन वायु से हम कितना कर सकते हैं जी, तो बोल रहा है 25 किलो वोल्ट से ही कर सकते हैं, लेकिन उससे अगर ज्यादा वोल्ट वाला हो ट्रांसफार्मर तो क्या करेंगे जी, क्योंकि आपको पता है ये पावर था, किलो वोल्ट एम्पीयर क्या था जी पावर था, तो बात की जाए अगर उससे ज्यादा है, इस बोल रहा है कि अब ऑयल कूलिंग भी एक प्रोसेस है, तो ऑयल कूलिंग में अगर 2000 मेगा वोल्ट एम्पियर अगर रहेगा, 2000 मेगा वोल्ट ट्रांसफार्मर का ठंडा करना होगा, तो हम क्या करेंगे जी ऑयल कूलिंग करेंगे। ऑयल कूलिंग को हमने ट्रांसफार्मर जो देखा था वो क्या था, ऑयल कूलिंग ही तो था, हमने जो बेसिक ट्रांसफार्मर लिया था हमने सारा कुछ पढ़ा था उसके बारे में, तो क्या है जी यही तो ऑयल क्या रहता है मेन टैंक में भरा रहता है, और ये क्या होता है ये ऑयल क्या होता है जी, देखिए जब ऑयल गर्म होगा तो कहाँ जाएगा जी, ऑयल गर्म होगा तो क्या हो जाएगा ऊपर जाएगा जी, ठीक है ना, ऑयल गर्म होगा तो क्या हो जाएगा ऊपर जाएगा, जब ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा इधर आएगा, इधर पाइप लगे रहते हैं आपको ट्रांसफार्मर पता है, तो बहुत सारे पाइप लगे रहते हैं, उस पाइप से क्या हो जाएगा बाहर आएगा, जैसे पाइप से बाहर आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे कूलिंग रहेगा, एयर आपको यहाँ पे एयर आएगा, और यहाँ एयर में क्या होता है ये अपना हीट जनरेट कर देता है, रिलीज कर लेता है, तो क्या हो जाता है ठंडा हो जाता है, जैसे ही ठंडा होता है फिर से नीचे आ जाता है और इधर आ जाता है, तो यहाँ से देख रहे हैं कि जैसे ठंडा होता है इधर आता है, फिर से गर्म होता है तो इधर चला जाता है और ठंडा हो जाता है, तो इस तरह क्या हो जाएगा प्रोसेस क्या होता है सर्कुलर चलता रहता है और ऑयल कूलिंग आपको हो जाता है। बात की जाए ऑयल इमर्ज वाटर कूलिंग, क्या है जी ऑयल इमर्ज वाटर कूलिंग, ये देखिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है समझना भी, ये बोल रहा है कि 2000 मेगा वोल्ट से अधिक निर्गत वाले ट्रांसफार्मर के लिए विधि उपयोग की जाती है, इस विधि में पानी तेल की सतह से नीचे रखी गई नालिकाओं से होकर जाता है। बोला है कि पानी जो है तेल की सतह से नीचे रखी गई जो नालिकाएं उससे होकर गुजरता है, तेल एक कूलर के चक्कर लगाता रहता है और ठंडा होता रहता है। देखिए अब इसमें थोड़ा सा है, देखिए ये मेरा क्रोड है, इसमें क्या हो रहा है ये हीट हो रहा है, तो इसको क्या बोले इसमें ऑयल जनरेट कर रखा है, अभी देखिए यहाँ पे तेल क्या हो रहा है गर्म हुआ जैसे, तो ये जाएगा यहाँ से जाएगा तो यहाँ आएगा, अभी देखिए यहाँ से पूरा हम इसको बाहर निकाल रहे हैं और इसको क्या करना है जी एक ठंडा पानी से हम पास करके इसको क्या करना है जी कूलिंग कर रहे हैं, कूलिंग करने के बाद इसको क्या कर रहे हैं भेज रहे हैं, और यहाँ पे क्या था एयर के थ्रू ही क्या हो रहा था कूलिंग हो रहा था, तो अब देखिए यहाँ पे हमने प्रोसेस लगा दिया, तो अब जितना चाहे हम क्या कर सकते हैं जी, यहाँ पे क्या होगा देखिए ये ऑयल आपको हीट हुआ और यहाँ पे ठंडा होने के लिए यहाँ पे कूलर लगा रखे हमने, अब कूलर हमारी क्षमता है जितनी हम क्षमता को कूल कर सकें जितना जल्दी जल्दी कर सकें, तो क्योंकि हमने इसको बाहर निकाल लिया, जैसे हमने बाहर निकाल लिया और मेरे हैंड में हो गया कि हम इसको कितना टेम्परेचर तक इसको कूल कर सकते हैं नहीं कर सकते, जैसे हमने बाहर निकाले ये प्रेस मेरे पास आ जाता है। अब बात आती है कि तो इसको यूज भी क्या होगा जी, बहुत अच्छी जगह होगा जहाँ पे क्या होगा हमें पावर के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि ये भी पावर कंज्यूम करेगा जी, पावर कंज्यूम करेगा उसके बाद खर्चा भी हमारा एक्सपेंड बढ़ाएगा, तो ऑल इस पर क्या हो रहा है बढ़ जा रहा है जी, ठीक है। अब बात कर रहे हैं तो चौथा में क्या होता है जी एयर ब्लास्ट कूलिंग, कौन कौन सा है जी एयर ब्लास्ट कूलिंग में आप देख सकते हैं, एयर ब्लास्ट कूलिंग में क्या जी बोल रहा है जिस उपकेंद्रों को सस्ता पानी तेल उपलब्ध नहीं होता है वहां ट्रांसफार्मर के वायु प्रवाह भी ठंडा किया जाता है, इस विधि से सबसे बड़ी हानि यह होती है कि विद्युत रोधन सामर्थ्य कम हो जाता है, ठीक है। अब बोला है एयर ब्लास्ट से करेंगे तो, लेकिन एयर ब्लास्ट का लिमिटेशन है, एयर ब्लास्ट का जब लिमिटेशन है तो इसको क्या हो जाएगा जी इसका उतना क्षमता नहीं होगा, यहाँ पे लॉस ज्यादा होगा, तो यहाँ लॉस ज्यादा होगा तो इसका बोला कि सामर्थ्य क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, और ये क्या होता है आपको जो सस्ते ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें यूज किया जाता है, क्या किया जाता है जी एयर ब्लास्ट कूलिंग आपको किया जाता है। यहाँ पे देखिए प्राथमिक डैनल सेल है, एक क्रोड है, ट्रांसफार्मर टैंक है, ठीक है, सेकेंडरी
टर्मिनल है। तो इसमें आपको दिखा रखा है इसमें क्या कर रहा है, एक ब्लोअर से क्या किया जा रहा है, ब्लोअर से पंखा है, देखिए ब्लोअर है, इसको क्या किया जाए, हवा दिया जा रहा है, उससे क्या हो रहा है, हवा फेंकी जा रही है तो उससे क्या हो रहा है, ठंडा हो रहा है जी। तो हमारा ये ट्रांसफार्मर यहाँ कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच। तो हमारा यहाँ ट्रांसफार्मर कंप्लीट होता है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस ट्रांसफार्मर को ख़त्म होने से हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बड़ा पोर्शन ख़त्म हो गया। और चलिए जी हम यहाँ से आपको चलेंगे अगले टॉपिक, हम इलेक्ट्रॉनिक्स वाले में बात की जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने वहाँ लॉजिक गेट कवर कर रखा है और वहाँ पर भी हमने बहुत अच्छे से कम्प्लीट कर रखा है। तो उस भी अगर जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले वाले बच्चे हैं वहाँ पर देखिए, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी रिकमेंड करें कि मेरे चैनल का वो पार्ट बने जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। ज़रूरी है, ये आपको भी आपके अंदर है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरा सहयोग कैसे कर सकते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करके आप सब्सक्राइबर बढ़ा के आप क्या कर सकते हैं, मेरा सहयोग कर सकते हैं। मुझे भी आपको भी पता है कि मेरा अभी कोई चैनल का मोनेटाइजेशन होने का कोई लालच नहीं है, लेकिन मैं अपनी ईमानदारी से अपना क्या कर रहा हूँ, अपना फर्ज अदा कर रहा हूँ। अभी कीजिए, आपको भी पता है कि इस बुक में बहुत सारी प्रॉब्लम है, इवन दो आई एम सॉल्विंग दोज प्रॉब्लम्स। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे हाई पेड आपको कोचिंग कराते हैं लोग, मैंने ये सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया है। तो आप इतना तो बनता है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी सजेस्ट करें कि वो मेरे चैनल का पार्ट बने। थैंक यू सो मच। चलिए जी, हेलो फ्रेंड्स, आई एम निशांत कुमार फ्रॉम ऑनलाइन रेलवे स्टडी चैनल। आपका मैं इस चैनल को स्वागत करता हूं और मैं आपको इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा रहा हूं। आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने लॉजिक गेट पढ़ा दिए हैं और डिजिटल नंबर सिस्टम पढ़ा रखा है, कन्वर्जन पढ़ा रखे हैं उसमें, और मैंने इलेक्ट्रिसिटी के सारे चैप्टर उधर कंप्लीट कर रखे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन आपको ख़त्म हो चुका है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं प्लीज़ आप जाके आप इलेक्ट्रॉनिक्स वाले प्लेलिस्ट में देखें, मैंने सारे वीडियो बना रखे हैं और इलेक्ट्रिकल का सिलेबस खत्म हो चुका है। अब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन स्टार्ट कर चुका है। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी मैंने लॉजिक गेट कंप्लीट कर रखा है और मैंने सेमीकंडक्टर भी स्टार्ट किया जी। सेमीकंडक्टर थोड़ा चैप्टर क्या है जी, टफ है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, कहां से क्वेश्चन पूछेगा अभी तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन प्रीवियस जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पर कुछ एनालिसिस करके इसको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक है जी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर डिस्कस की जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स में डिस्कस करने के लिए बात की जाए तो तीन तरह के मटेरियल होते हैं जी हमारे एनवायरनमेंट में, कौन कौन से होते हैं। तो पहला कंडक्टर होता है, दूसरा क्या होता है जी सेमीकंडक्टर होता है, तीसरा क्या होता है इंसुलेटर होता है। बात की जाए तो कंडक्टर होता है क्या होता है जी, इंसुलेटर होता है, सेमीकंडक्टर होता है। तो तीन तरह के मटेरियल होते हैं। तो थोड़ा बहुत कंडक्टर के बारे में पढ़ लेते हैं जी। कंडक्टर को कंडक्टर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। क्या जी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, इसका जो रेजिस्टेंस होता है कम हो जाता है और चालकता क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। इसमें वैलेंस बॉन्ड और कंडक्शन बॉन्ड क्या एनर्जी क्या होता है जी, वैलेंस बॉन्ड और कंडक्शन बॉन्ड क्या होता है जी, कोलैप्स हो जाते हैं, मिल जाता है, जिससे क्या होता है एनर्जी, थोड़ा सा भी एनर्जी मिलता है तो क्या होता है इलेक्ट्रॉन को क्या होता है मूव करना होता है। नहीं भी मिलेगा तो भी क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, फ्री रहेगा और मूव करता रहेगा। इसमें यही होता है कि अब हम लोग यहाँ पे देखिए कंडक्शन में वैलेंस बॉन्ड हम इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल में पढ़ते नहीं है। तो यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि कंडक्शन बैंड में अगर इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा जी, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा, नहीं तो नहीं फ्लो करेगा। वैलेंस बैंड में चाहे कितना भी इलेक्ट्रॉन हो करंट नहीं फ्लो करेगा, कंडक्शन बैंड में अगर दो भी इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या हो जाएगी, कंडक्शन होगा यानी इलेक्ट्रिसिटी मूव होगी जी। चलिए, ताप बढ़ने पर क्या होता है, मोबिलिटी घटती है जी। ताप बढ़ने पर क्या होता है, मोबिलिटी घटती है। मोबिलिटी इंडिकेट्स हाउ क्विक द चार्ज कैरियर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर। मोबिलिटी है, बोल रहा है कि कोई चार्ज पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह कितना फास्ट मूव कर रहा है उसको क्या होता है, तो मोबिलिटी शो करता है जी। टेम्परेचर बढ़ाने में वैलेंस बॉन्ड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप करता है जी। जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा वैलेंस बॉन्ड का, ये मेरा वैलेंस बॉन्ड है इसमें, जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसके जो इलेक्ट्रॉन है क्या हो जाएंगे जी, उनमें क्या हो जाएगा हीट, उनमें वाइब्रेशन होने लगेगा, जो हीट जनरेट करेगा उससे क्या हो जाएगा उनका मूवमेंट होने लगेगा। जैसे मूवमेंट होगा तो क्या हो जाएगा, कंडक्शन बैंड में मूव कर जाएगा। और यहाँ पे आपको भी बताया कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बॉन्ड क्या है जी, उनके बीच गैप ही नहीं है। गैप क्या है जी, फॉरबिडन गैप इसको बोला जाता है, गैप में जो एनर्जी होती है उसको फॉरबिडन एनर्जी गैप बोला जाता है। तो फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या है जी, इसमें जीरो है। तो जीरो है तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव कर जाएगा, कंडक्शन बैंड में। और जैसे ही कंडक्शन बैंड में मूव करेगा क्या हो जाएगा, कंडक्शन हो जाएगा। तो हमारा कंडक्टर का यही कंसेप्ट है जी, इसीलिए उसमें क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। लेकिन बात की जाए इंसुलेटर में, तो इंसुलेटर में क्या होता है जी, तो एनर्जी गैप जो होता है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता था, और जो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, इतनी एनर्जी दिया नहीं जाता है और ना ही
किसी भी इंसुलेटर को जब इतनी एनर्जी देंगे तो ना उसके बाद कंडक्टर उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा जी, उसमें इलेक्ट्रिसिटी मूव करेगी, तो उसको अगर मूव किया जाएगा तो उसके बाद फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, जो क्या होगा उससे धारा क्या होगी प्रवाहित होगी, तो हम इतना एनर्जी ना दे पाते हैं और ना हो पाता है, तो इसलिए हम इंसुलेटर को कभी कंडक्टर के रूप में यूज नहीं करते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे भी आते हैं जहां पे हमको क्या होता है इंसुलेटर को एज ए कंडक्टर यूज करना है, इसके भी बेनिफिट्स हैं, तो वहां पे हम क्या करेंगे जी उतना वोल्ट देंगे हम और उसको यूज भी करते हैं। तो अभी हमारे पास सिलेबस में नहीं है, हम उसको डिस्कस नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर ही क्या है जी, हमारा मेन इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या है जी, कोर है, मेरा कोर है, क्या है, बेस कोर है, इसलिए क्या है जी आधार है, इसलिए हम कह सकते हैं इसको तो हमको एक एक पॉइंट पढ़ना पड़ेगा जी। इसमें देखिए बोला है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बॉन्ड के बीच के जो एनर्जी गैप होता है क्या होता है, लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है जी। बात की जाए तो सिलिकॉन में जो आपको 0.7 होता है और गैलियम में बात की जाए तो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है जी एनर्जी गैप। तो देखिए यही भी बात की, इसका प्रतिरोध चालक में अधिक और कुचालक में कम होता है जी। बोला है कि प्रतिरोध चालक में अधिक और कुचालक में क्या होता है, कुचालक से क्या होता है जी, कम होता है बोला। और देखिए इसका मतलब हो गया सेमीकंडक्टर है तो क्या हो जाएगा, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच ही तो होगा क्योंकि सेमीकंडक्टर है। कभी जब टेम्परेचर थोड़ा ठीक है, अगर 0 डिग्री टेम्परेचर है, 0 डिग्री कर रहे हैं, इसमें क्या होता है जी। अब बात की जाए रेजिस्टेंस क्या हो रहा था, हमने जो कंडक्टर रेजिस्टेंस पढ़ा था जी, रेजिस्टेंस क्या हो रहा था जी, वहां पे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। लेकिन अगर बात की जाए सेमीकंडक्टर में तो यहाँ पे जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस घटने लगेगा। तो ये क्या होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है जी। यहाँ समझ सकते हैं कि नेगेटिव टेम्परेचर कौन होता है, जब 0 केल्विन रहेगा इसका टेम्परेचर, 0 केल्विन पर टेम्परेचर रहेगा तो क्या हो जाएगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन इसका मूव नहीं करेगा जी, कभी करंट मूव नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही रूम टेम्परेचर पे आएंगे तो भी इसका इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा, लेकिन कुछ एनर्जी दे देंगे तो क्या हो जाएगा, मूव करने लगा, जिससे क्या हो जाएगा कंडक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी जी मटेरियल में, सेमीकंडक्टर मटेरियल में। लेकिन इसको हमको कुछ क्या करना पड़ेगा जी, इसको हमको कुछ टेम्परेचर देना पड़ेगा, कुछ उसके ऑपरेटिंग वोल्टेज देने पड़ेंगे, उसके बाद ही क्या करेगा सेमीकंडक्टर हमारा काम करेगा। यही कंसेप्ट आपको पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स का होता है और इसी को हमको समझना है, 1-2 लेक्चर में हम इसी को समझते रहेंगे जी, कैसे कैसे बनाएंगे और समझेंगे, पूरा कंसेप्ट उल्लेख करना है, नहीं रटना है, कुछ भी नहीं रटना है जी, हमें पूरा समझना है जी। बात की जाए अर्धचालक, बोल रहा है संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं जी, सेमीकंडक्टर आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो सेमीकंडक्टर ग्रुप है आप देख सकते हैं वहां पे आपको सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये जो गैप है यहाँ पे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, तो यहाँ पे सिलिकॉन और जर्मेनियम से क्या होता है, जनरली क्या होता है जी, आपको सेमीकंडक्टर मटेरियल डिवाइसेज बनाए जाते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम से। इसके बाद वाले भी जो है वो भी क्या होता है सेमीकंडक्टर होते हैं, लेकिन उनका यूज नहीं किया जाता क्योंकि हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होती, इसलिए हम पढ़ेंगे भी नहीं। तो देखिए कहे शिव जी सुने पार्वती, लेकिन नाम तो हमको याद रखना पड़ेगा ना, तो सुनिए क्या है जी, कहे शिव जी सुने पार्वती, कार्बन को यूज नहीं करेंगे और सिलिकॉन जर्मेनियम को यूज करेंगे, सुने पार्वती हमको इसलिए याद करना पड़ेगा क्योंकि सेमीकंडक्टर का पूछ सकता है, तो सेमीकंडक्टर सारे याद रहने चाहिए जी। अब बात कर रहे हैं न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ठीक है जी। देखिए तो न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ये देखिए इसमें क्या है जी, नंबर इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, तो 3 है, कितने इलेक्ट्रॉन फ्री है जी, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस बॉन्ड में कितने होते हैं, 3 होते हैं जी, ठीक है। इसमें कितने होते हैं जी, 4 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वैलेंस बॉन्ड में होते हैं, ठीक है जी। यहां से समझ सकते हैं न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ये क्या है, कहे शिव जी सुने पार्वती, इसमें क्या होता है सेमीकंडक्टर मिलेगी मेरा यही है, ये पीरियोडिक टेबल में मैं डिस्कस कर रहा हूँ जी, ऐसे व्यवस्थित है जी। अब बात की जाए इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन फ्री वाले कौन कौन से होते हैं जी, 5 इलेक्ट्रॉन फ्री वाले कौन कौन से होते हैं, तो 5 वाले भी हमको याद रखना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि ये देखिए सेमीकंडक्टर ये मेरा क्या है, ट्राइवेलेंट है,